hello students in current electricity today our topic of discussion is application of potentiometer in the previous video we have seen the difference between potentiometer and voltmeter why we are using potentiometer instead of voltmeter so here are a few differences between potentiometer and voltmeter which we had already studied in the previous video

Whereas, करेंगे तो वहां पर आपका जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाता है यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई होता है लेकिन वो फाइनाइट रहेगा तो ऑब्वियस बात है हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि आइडियल वोल्ट मीटर के केस में

बहुत छोटा चेंज भी अगर होगा आपकी वोल्टेज में तो उसको भी ये क्या कर पाएगा आपको प्रॉपरली शो करेगा कि यार ये 2.1 की जगह अगर ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट के लिए अलग रीडिंग देगा और 2.1 के लिए आपको अलग रीडिंग देगा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा यहाँ पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है बेटा तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग कैलिब्रेशन कर सकते हैं एमीटर वोल्ट मीटर का ई का कंपेरिजन कर सकते हैं वेर एज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग EMF ही मेजर कर सकते हैं तो इन्हीं इतनी सारी जो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं इन्हीं एप्लीकेशंस में में से हमारे स्टैंडर्ड दो हैं और सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो यही है कि हमें ई एम एफ करना सीखना है कि दो अननोन सेल्स मुझे दिए गए हैं तो उनके ई को मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा और दूसरी एप्लीकेशन है कि हमारे पास जो भी सेल दिया गया होगा उसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर पाऊंगा तो हमारे पास ये दो चीजें हैं इन दोनों चीजों पर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है सो लेट सी हाउ वी कैन यूज पोटेंशियोमीटर फॉर सच एप्लीकेशन हमें प्रिंसिपल पता ही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कि जब कभी भी आप किसी भी तरीके का कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ एंड वी हैव सीन वी इज इक्वल टू आई आर एस दी और अगर मैं यहाँ पर वी इज इक्वल टू आई इंटू आर की जगह पर अगर मैं रो एल बाई ए लिख ऑब्वियस तो सी बात है v इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे i रो बाई एंटू एल सो वी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्या मिलेगा बेटा l मिलेगा ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्स्टेंट होगा वो हम k नाम देंगे और वो kl हो जाएगा वेयर k इज i रो बाई ए दिस इज k

तो प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी वायर के थ्रू किसी भी वायर के थ्रू अगर आपने एक बैटरी कनेक्ट की और बैटरी कनेक्ट करके अगर आप एक कांस्टेंट ये जो हमारा वायर है ये वायर हमारा सपोज पोटेंशियोमीटर का वायर है इस वायर में दो चीजें कांस्टेंट चाहिए आपको एक तो एरिया कांस्टेंट मिलना चाहिए आपको पहली चीज दूसरी चीज आपको रो आपको कांस्टेंट मिलनी चाहिए दो चीजें अगर कांस्टेंट हैं और तीसरी चीज अगर आप आई जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो भी अगर आप कांस्टेंट फ्लो करा रहे हैं तो आपको v, जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा बेटा? L मिलेगा बेटा ये चीजें अभी जब हम इन की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा ये बेसिकली किस लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है पोटेंशियोमीटर को यूज करने के लिए तो पोटेंशियोमीटर क्या है पोटेंशियोमीटर यही वो वुडन का प्लैंक है जिस प्लैंक के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है ये वायर लगे हुए हैं बेटा वुडन प्लैंक जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं ये वायर लगे हुए हैं ये देखो ये वायर है ये वायर है ये ऑल दीज आर वायर्स और ये सारे के सारे वायर्स को जो कनेक्शन दिया गया है वो कॉपर की स्ट्रिप से दिया गया है है ये जो बेटा दीज आर दी कॉपर स्ट्रिप्स और नॉर्मली यहां पर ये जो हर एक वायर है ये एक मीटर लेंथ का रखा जाता है मतलब आपको लैब में अगर पोटेंशियोमीटर दिखेगा तो वो एक मीटर लेंथ का वायर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ये फोर मीटर से लेकर के टेन मीटर के आसपास इसकी लेंथ हुआ करती है तो अगर मैं चार मीटर लंबा एक वायर ले लूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसके उसको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा रूम चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया गया है बेटा इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट करने के लिए हमने एक वन मीटर का वुडन प्लैंक लिया है और उसके ऊपर हमने ये पूरे के पूरे वायर को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है ये सब किस में है ये सीरीज में है ये देखो ऐसे करके सीरीज में हमने कनेक्शन किया हुआ है

तो वो जो दस टर्न कराए गए हैं इसका मतलब किसमें है ये पूरा का पूरा वायर हमारा क्या बोल सकता दी पोटेंशियोमीटर वायर ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है सपोज दिस इज दी पोटेंशियोमीटर वायर अब पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो तो वेरी करेगा तो मैंने इसकी लेंथ कितनी मान ली बेटा

कनेक्ट करना है और ये एममीटर के साथ आपने क्या कनेक्ट किया बैटरी कनेक्ट कर दी और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ हमने मान लिया सपोज ई नॉट है कितना है ई नॉट इज दी ईएमएफ और इसी के जस्ट बगल में हमने क्या लगाया एक रियोस्टेट लगाया पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेटा कि रियोस्टेट कैसा होता है और इसी रियोस्टेट को हमने कनेक्ट कर दिया बी पॉइंट से तो ये रियोस्टैट है तो रियोस्टैट क्या होता है सबसे पहले ये समझो रियोस्टैट एक तरीके से करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है और वी कैन से कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो तो जब भी मुझे अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो वहां पर तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर तो हम इस इस वैल्यू को क्या कर रहे होंगे बेटा चेंज कर रहे होंगे लेकिन अगर कोई नुम मिलेगा तो वो तो बताएगा ना कि ये जो भी हमारा रियो है ये रियो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो सपोज मैंने इसका रजिस्टर कि, रेजिस्टेंस कितना मान लिया आर नॉट मैंने इसका रेजिस्टेंस मान लिया ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर था ये वायर हमारा कॉन्स्टेंटन और का बना हुआ था किसका बना हुआ था ये कॉन्स्टेंटन एंड मैंगन का बना था और अगर ये कॉन्स्टेंटन मैगनिन का बना था तो सिंपल सी बात है इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी और अगर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी तो मैंने इसी वायर की रेजिस्टिविटी क्या मान ली देखो कैसे मान रहा हूं मैं एक्स ओम पर एक्स ओम पर मीटर मतलब हर एक मीटर में कितने ओम का रेजिस्टेंस है एक्स ओम का रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक अगर मुझे यहां से इस वायर का मतलब आर ए बी का अगर, अगर मुझसे कोई रेजिस्टेंस पूछेगा तो पर मीटर एक्स ओम तो एल मीटर कितने ओम एल एक्स दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर सो दिस इज द प्राइमरी सर्किट व्हिच वी हैव टू ड्रॉ ऑलवेज फॉर एनी ऑफ द एप्लीकेशन हम कोई भी पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है मतलब ये जो वायर है ए एबी वायर है से कर दिया। क्योंकि यहां पास तो पेपर तो के ऊपर तो 100 मीटर लिख देंगे तो वो 100 मीटर की सौ मीटर का वायर हो जाएगा हम दस मीटर लिख देंगे दस मीटर का वायर हो जाएगा लेकिन एक्चुअली में अगर हमें दिखाना होगा कहीं पर भी तो वहां पर तो दस मीटर हमें वायर दिखाना है तो ये हमें यहां पर इसको कैसा बनाना पड़ेगा सांप जैसा बनाकर हमने दिखा दिया कि भैया

तो ये मेरा एक एम्मीटर, ये मेरा मेरा एक ड्राइविंग सेल इसके जस्ट बगल में मैंने लगा दिया एक रियोस्टैट रियोस्टैट क्या होता है करेंट कंट्रोलिंग डिवाइस और इसको आप वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं ये आपने लगाया है पोटेंशियोमीटर वायर दिस इज ए एंड दिस इज बी आपने पोटेंशियोमीटर वायर इस वायर की सबसे खास बात क्या है कि यहां पर आपने रेजिस्टेंस इसका क्या कितना माना है एक्स ओम पर मीटर ये आपने रेजिस्टेंस माना है रियो स्टेट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ई एम एफ जो है वो इसका ई नॉट है तो पूरे के पूरा जो वायर है इस पूरे के पूरे वायर की लेंथ आपने एल मानी हुई है और आप एक कॉन्स्टेंट अमाउंट का करेंट फ्लो करा रहे हैं कितने अमाउंट का आई अमाउंट का करेंट फ्लो करा रहे हैं आई अमाउंट तो करेंट पहुंच रहा है आपको तो इस पूरे के पूरे वायर का मतलब आर ए बी की जो वैल्यू है वो आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी एल एक्स तो ये प्राइमरी सर्किट किसी भी एप्लीकेशन को जो भी हम एप्लीकेशन करना चाहेंगे पोटेंशियोमीटर से वहां पर हमें ये प्राइमरी सर्किट बनाना पड़ेगा और जैसे ही हमने ये प्राइमरी सर्किट बनाया

यहां पर भी ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है दिस आर नॉट इज ऑल्सो आर रेजिस्टेंस तो यहां पर आई इन टू क्या हो जाएगा ये आर नॉट हो जाएगा तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालूंगा तो आई की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी ई नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स

क्वल टू वी ए बी इज इक्वल टू आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे E upon R plus LX into RAB की जगह क्या लिख देंगे हम लोग एलेक्स लिख पाएंगे तो इस पूरे के पूरे वायर के अक्रॉस इस वायर की लेंथ कितनी है एल यानी कि वी ए बी अपॉन एल अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे कितना मिलेगा नॉट ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस एलेक्स इक्स आर नॉट प्लस एलेक्स और वी वाई एल ही हमारा क्या हुआ करता था बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था जिसको हम के नाम देंगे तो यहां से मुझे यह प्राइमरी सर्किट से एक चीज तो फिक्स समझ में आ गई कि ई नॉट x अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स ये फॉर्मूला हो गया मेरा क्या निकालने का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का formula हो गया और देखो एक बार जो भी बेटा ये पोटेंशियोमीटर का हमने प्राइमरी सर्किट बनाया अब E नॉट तो हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि E नॉट हमारा क्या है E नॉट हमारा ड्राइविंग सेल है जो हमारे सर्किट को क्या करेगा ड्राइव करेगा आर नॉट एक रियोस्टेट है जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा फिक्स हो जाएगी एल इसकी क्या हो गई एल इज दी लेंथ कितने लेंथ का आपका पोटेंशियोमीटर वायर है एक्स क्या है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्स इज ओम पर मीटर रेजिस्टेंस पर मीटर की वैल्यू है हमारे पास एक्स तो यहां से मुझे के मिल गया एंड दिस के इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कभी भी पोटेंशियोमीटर का अगर नोमरिकल करेंगे तो वहां पर अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया है तो यह मानकर चलिए कि आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ये था मेरा प्राइमरी सर्किट जो मुझे बनाना होगा और इस प्राइमरी सर्किट मतलब दिस सर्किट इज नॉट गोइंग टू चेंज ये सर्किट मेरा फिक्स रहना है तो इसी सर्किट के बेसिस पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट हो जाता है पहले ही कि भैया ये जो पोटेंशियोमीटर है इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा सेट हो गया ई नॉट Lx अपॉन आर नॉट प्लस एक बार जब ये पोटेंशियल चलते हैं पर. तो सबसे पहली है तो करना है हमें ई एम एफ को कंपेयर करना है बेटा है कि नहीं तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे मैंने देखो पहले भी बताया मैं फिर से बता रहा हूं सबसे पहले अब हम बनाएंगे प्राइमरी सर्किट प्राइमरी सर्किट में क्या क्या था एक एमीटर मीटर था इसके जस्ट बगल में एक बैटरी थी और बैटरी के जस्ट बगल में एक रियोस्टैट था और इस रियोस्टैट का कनेक्शन हमारे एक वायर के थ्रू था दैट इज ए बी दिस इज दायर ए बी ये हमारा ई नॉट है ये हमारा आर नॉट है यहां से हमने आई अमाउंट का करंट फ्लो कराया और ये हमारा आई अमाउंट का करंट फ्लो होता होता इस वायर के थ्रू भी फ्लो हो रहा है जिस वायर की लेंथ कितनी है एल और इसका रेजिस्टेंस जो है दैट इज इज ऑफ दिस वायर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन निकालने के लिए ही हमने x ओम पर मीटर माना नहीं तो ये मुझे l कभी भी इसके नीचे डिनोमिनेटर में आता हुआ नहीं मिलता इसलिए हमने इसका रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं माना कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आर रे ए भी मान लेता तो मुझे एल नहीं मिलता बेटा और अगर मुझे एल नहीं मिलता तो मुझे कभी भी ये फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का नहीं मिल पाता इसलिए हमने यहाँ पर कुछ अजम्पन ऐसा लिया कि हमें पोटेंशियल पोटेंशियल अपॉन लेंथ मिल जाए बेटा जैसे ये हो गया अपना ए बी और इसके नीचे क्या है लेंथ है ये रिलेशन मुझे मिल जाए तो यहीं पर ये बन गया हमारा प्राइमरी सर्किट और प्राइमरी सर्किट बनने के बाद अब हमें जो काम करना है मेरे को अब दो अननोन सेल्स लाकर दे दिए किसी ने जैसे ही मुझे दो दिए बेटा तो हम क्या काम करेंगे इस ए पॉइंट से आप एक वायर ड्रॉ करेंगे और इस वायर से अपना पहला unknown cell connect करेंगे. This is यहां पर एक थ्री वे की लगी हुई होगी कैसी की लगी होगी थ्री वे की इसको हम बोलते हैं थ्री वे की मतलब एक कनेक्शन यहां दे सकते हो एक कनेक्शन यहां एक कनेक्शन यहां और ये वाली जो की है इस की से आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा और इस गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई होगी जॉकी दिस इज योर जॉकी अब क्या होगा बेटा जैसे ही आप इस इवन को इसके साथ कनेक्ट करेंगे ये कनेक्शन किया आपने अब क्या हो रहा होगा देखिएगा आप इस ए पॉइंट से इसको मूव 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 कराएंगे 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 किसको जॉकी को कराएंगे. और जब आप जॉकी को मूव कराते हुए किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर पहुंच जाएंगे आई मीन टू से आप सपोज L1 पर पहुंच गए तो L1 पर जैसे ही आप पहुंचे आपको मिला नल डिफ्लेक्शन कैसा डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन मतलब गेलवेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स दी करंट, डिटेक्ट्स दी करंट। कौन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स दी करंट। और अगर गैल्वेनोमीटर, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू इफ नो करंट फ्लोज Through galvanometer, through galvanometer, that means it will not show, it will not show any deflection. और इसी condition को हम क्या कहते हैं? इसी condition को हम null deflection बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब अगर मैं इसको नाम दे बेटा तो इस लेंथ पर पहुंचने के बाद दिस गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन और अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि पहले तो ईवन से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ हो रहा था जब यह डिफ्लेक्शन शो कर रहा था क्योंकि ईवन से जो भी करंट निकलेगा यहां से जो भी करंट निकलेगा यहां से अगर मान लो कोई भी करंट निकलेगा तो ये जॉकी है इस जॉकी के साथ कनेक्शन होगा और कनेक्शन होकर करंट वापस आ रहा होगा और वापस कहाँ आना है उसको बैटरी के पास वापस आना है लेकिन अगर ये गैल्वेनोमीटर किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं शो कर रहा है कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके का कोई भी करंट इस ईवन से नहीं निकला है इफ नो करंट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ईवन किसी भी तरीके का अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ इसका मतलब यह है कि यह सेल ओपन सर्किट में रखा है इफ नो करंट ड्रॉस फ्रॉम द सेल भैया कोई भी हम सेल खरीद के लाए और खरीद के लाने के बाद हमने उसको किसी के साथ कनेक्शन नहीं दिया तो किसी के साथ कनेक्शन नहीं दिया मतलब किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ और अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ इसका मतलब क्या है? वो है. अगर करंट ड्रॉ हो जाता तो वो क्या किस में चेंज हो जाता पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता इफ नो करेंट ड्रॉज फ्रॉम द सेल इट मीन इट मीन इट विल गिव इट विल गिव एम एफ हमें ई एम एफ मिलेगा तो अगर देखो यही चीज थी यही कंडीशन थी बेटा किस चीज की ये जो हमने देखा था अभी कि ये

प्रिंसिपल uh, क्या कहता है इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोस थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वही करा रहे हैं हम लोग कंपोजिशन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ मतलब जिस भी लेंथ के अबाउट हमें किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ होता हुआ नहीं मिल रहा है इसका मतलब यह है कि ये जो भी हमने सेल लगाया था इवन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख पाएंगे

और जैसे ही आपने ये दूसरा सेल लिया, इसको, इस इसको कनेक्ट किया इसको कनेक्ट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं पर एक दूसरी जगह पर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा और वो डिफ्लेक्शन सपोज आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा और वो नल डिफ्लेक्शन सपोज आपको कहां पर मिला वो नल डिफ्लेक्शन सपोज सप्रेक्ष आपको एल लेंथ पर मिला कोई भी करंट डिफ्लेक्शन तो तो कुछ कुछ देता लेकिन ये तो कोई डिफ्लेक्शन दे नहीं रहा है गैल्वेनोमीटर इज नॉट गिविंग एनी डिफ्लेक्शन इसका मतलब ये है नो करंट इज बीन ड्रॉन फ्रॉम ई अगर किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि ई टू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू हम लिख पाएंगे एल टू E2 is directly proportional to L2, and this will be equal to E2 is equal to k L2. तो सिंपल सी बात में की वैल्यू तो, तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होनी है तो जब ये वैल्यू चेंज नहीं होनी तो दोनों में ही हमें के की वैल्यू कैसी मिलेगी के की वैल्यू फिक्स मिलेगी यानी कि ई वन बाईन बाई will be equal to E1 by E2 will be equal to K L1 by K L2 तो K से K क्या हो गया बेटा कैंसिल तो यहां से मुझे E1 by E2 will be equal to L1 by L2 मुझे ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा तो देख लो यही लेंथ हमने हमें आइडेंटिफाई करनी है वही पर्टिकुलर हमें लेंथ आइडेंटिफाई करनी है जिस पर्टिकुलर लेंथ पर हमें क्या मिल रहा है नल डिफ्लेक्शन मिलेगा तो पहले देखो इसकी कंस्ट्रक्शन समझ समझ में समझ में आ गई होगी बेटा इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ये प्राइमरी सर्किट है ये जो सर्किट हमने बनाया है यहां पर दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट कौन सा सर्किट दिस सर्किट इज अवर सेकेंडरी सर्किट ये जो सर्किट है दिस इज सेकेंडरी सर्किट कोशिश करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा ई वन और ई टू से किसी भी तरीके का कोई करेंट ड्रॉ ना किया जाए मतलब प्राइमरी सर्किट का जो करेंट है वो प्राइमरी सर्किट में ही घूमे सेकेंडरी सर्किट में एंटर ना करे पहली चीज

और इसका कनेक्शन कर दिया जैसे ही हमने इसका कनेक्शन किया तो ऑब्वियस सी बात है अब गैल्वेनोमीटर मुझे किसी दूसरी जगह पर नल पॉइंट दे रहा होगा बेटा जिस भी दूसरी जगह पर नल पॉइंट दे रहा होगा उन्हीं का जो रेशियो होगा एल वन बाई एल टू अननोन सेल्स के ई एम एफ का होगा तो सिंपल सी बात यह कि अगर मान लो एक दो वोल्ट का है और एक चार वोल्ट का है तो दो वोल्ट वाले के लिए हमें लेंथ छोटी मिलेगी और चार वोल्ट वाले के लिए लेंथ हमें ज्यादा मिलेगी मतलब अगर मान लो दो वोल्ट मुझे हंड्रेड सेंटीमीटर पर मिला तो ऑब्वियस बात है मुझे चार वोल्ट हो सकता है दो सौ सेंटीमीटर पर मिले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियोमीटर काम तभी करेगा जब E0 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे ई वन एंड ई टू से हमेशा वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए ड्राइविंग सेल की नहीं तो आपको कभी भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा अगर ये कंडीशन नहीं हुई ई नॉट इज ग्रेटर ई नॉट को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर वर्क पोटेंशियोमीटर क्या करेगा वर्क करेगा मतलब नल डिफ्लेक्शन वी विल बी वी विल एबल टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन सिंपल अदरवाइज हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा कहीं पर भी हमें, नहीं, मिलेगा. मतलब, की हमें नहीं मिलेगी अगर तभी हम क्या कर पाएंगे तभी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम ये रेशियो आइडेंटिफाई कर पाएंगे पोटेंशियोमीटर काम करेगा तभी काम करेगा जब ड्राइविंग सेल जो है ये ई नॉट की वैल्यू है ये ई वन और ई टू से क्या होनी चाहिए

और इसके जस्ट बगल में आपका एक रियोस्टैट होगा ये रियोस्टैट और इस रियोस्टैट से आप क्या कर रहे होंगे आप एक कनेक्शन कर रहे होंगे कैसा कनेक्शन ये ए और बी वायर का कनेक्शन ये आपका ई e नॉट हो जाएगा और ये आपका आर नॉट होगा ऐसे ही मिला था कनेक्शन तो यहां पर के की वैल्यू तो हमारी फिक्स रहने वाली है के की वैल्यू क्या रहने वाली है हमारी ई नॉट अपॉन यही तो अब हम बात कर लेंगे सेकेंडरी की। यहां पर सेकेंडरी के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा देखिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हमारे सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ होगा इसका मतलब ईएमएफ मिल रहा है और अगर करंट ड्रॉ हो गया इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है तो देखो बेटा सिंपल सी बात यहाँ से अब हम एक वायर खींचेंगे और इस वायर से जो भी मेरा अन सेल है इसके पास खुद के पास एक रेजिस्टेंस होगा आर इसका ई एम एफ मैंने मान लिया सपोज ई e है और यहाँ पर एक लगा दी है हमने थ्री वे की और इस थ्री वे की से हमने कनेक्ट किया इसको एक गैल्वेनोमीटर को और एक जॉकी को तो सबसे पहले हमने क्या काम किया सबसे पहले हमने काम किया कि हमने इसका कनेक्शन किया और कनेक्शन करने की वजह से कहीं ना कहीं पर मुझे एक नल पॉइंट मिल रहा होगा और ये जहां कहीं पर भी मुझे ये नल पॉइंट मिलेगा उस लेंथ को मैं नाम दे दूंगा कुछ ना कुछ और वो लेंथ क्या हो जाएगी L1 तो अब देखो ये जो नल पॉइंट मिला नल पॉइंट मिला मतलब नो करंट इज बींग ड्रॉन फ्रॉम इट किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ अगर किसी तरीके का कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ तो इस आर की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो सौ कर दो हजार कर दो क्योंकि जब तक इससे करंट नहीं फ्लो होगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा अभी तो आप कितना भी रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसमें है ये ओपन सर्किट में रखा हुआ है तभी तो ये गैल्वेनोमीटर मुझे क्या दे रहा है नल डिफ्लेक्शन दे रहा है यानी कि इस पर्टिकुलर लेंथ पर पहुंचने के बाद मुझे सबसे पहला रिजल्ट क्या मिल गया इज इक्वल टू के इन टू एलवन रिलेशन नंबर वन अब हमें क्या काम करना है जैसे वहां पर हमने डिस्कनेक्शन किया था पहली वाली एप्लीकेशन में यहां पर अब हम डिस्कनेक्शन ना करके हम यहां पर लगाएंगे एक लोड रेजिस्टेंस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे और इसको कंप्लीट बंद कर देंगे जब इसको कंप्लीट बंद कर देंगे तो ऑब्वियस बात है अब कुछ ना कुछ करंट इस सर्किट में ड्रॉ हो रहा होगा बेटा कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट ड्रॉ हो रहा होगा और जब ये कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट ड्रॉ हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस आर के अक्रॉस मुझे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा और वो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का मिलेगा V का मतलब अब अगर इसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है करंट ड्रॉ हो रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मतलब मेरा नल पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा नल पॉइंट पहले ई पर के लिए मिल रहा था अब मुझे वी के लिए मिलेगा तो एम एफ से ज्यादा तो कभी वी हो नहीं सकता है यानी कि ये जो मुझे V मिलेगा ये हमेशा छोटी क्योंकि सर्किट कंप्लीट है अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर तो करंट फ्लो होगा ये गैल्वेनोमीटर भले ही मुझे नल डिफ्लेक्शन दे रहा हो लेकिन यहां पर तो मेरा करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है

पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ये रिलेशन मिल गया अब अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखूं तो क्या ये सर्किट मेरा बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट नहीं है बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट है तो अगर ये बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट है तो E यहां पर स्मॉल R यहां कैपिटल R ऐसा ही तो था हमारा सर्किट और एक I अमाउंट का करंट हम ड्रॉ करा रहे थे और अगर हम यहां पर I अमाउंट का करंट ड्रॉ कराएंगे तो I इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा था I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर ऐसा ही रिलेशन मिला था और इस रिलेशन के अलावा भी हमें एक रिलेशन मिला था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला आया था और वो फॉर्मूला क्या आया था हमें हमारे पास E by V minus one into capital R ऐसा ही रिलेशन आया था हमारे पास मतलब ये मैं डेरिवेशन आपको करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि बेटा ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं चलो करके देख लेते हैं वल तो टू क्या देखा था हम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर देखा था सर तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I की जगह पर लिख देंगे E ऐसी लिखेंगे बेटा तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E माइनस वी इंटू आर तो आर इज इक्वल टू कितना हो ये E बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर ऐसे तो हमने ही रिजल्ट आइडेंटिफाई किया था और ई बाई वी की वैल्यू मुझे पोटेंशियोमीटर से ऑलरेडी मिल गई बेटा तो यहां से देखो हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे तो यूजिंग इक्वेशन थ्री इन फोर तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू एल वन बाई कैपिटल आर तो यहां पर जो भी खेल है वो खेल हमारा किसका है सेकेंडरी सर्किट का है ये जो व्हाइट कलर से जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है इस सेकेंडरी सर्किट अगर हमें समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हम दोनों तरीके की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे देख पाएंगे तो ये थी हमारी बेटा दोनों एप्लीकेशंस जिस जिसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर पढ़ना था और इससे हमें दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में ही रही थी कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे या किसी भी सेल का ई कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा कि कितने वोल्ट का है ये कैसे लिखा जाता होगा तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या है हमारे पास डिवाइस है पोटेंशियो मीटर तो अब हम यहां पर ये भी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं बेटा कि हम किस तरीके से पोटेंशियो मीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं सो हाउ सेंसिटिविटी का मतलब क्या है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर समझने की कोशिश करते हैं सेंसिटिविटी का मतलब क्या है सेंसिटिविटी का मतलब है केपेबल ऑफ मेजरिंग केपेबल ऑफ मतलब पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी सेंसिटिव ऐसे लिख सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी सेंसिटिव सेंसिटिव इफ ट इज केपेबल ऑफ मेजरिंग केपेबल ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजरिंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर हम बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेज अगर हम मेजर कर पा रहे हैं इसका मतलब हमारा पोटेंशियोमीटर क्या है ज्यादा सेंसिटिव है एंड इट मस्ट शो इट मस्ट शो अ सिग्निफिकेंट चेंज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कहने का मतलब क्या जैसे मान लो किसी सेल का पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस सपोज टू वोल्ट है तो वो जो टू वोल्ट का जो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली वो सपोज टू हंड्रेड टेन सेंटीमीटर पर मिली मतलब टू वोल्ट था तो टू वोल्ट जो मुझे मिला वो टू हंड्रेड टेन सेंटीमीटर पर मिला फॉर एग्जाम्पल तो अगर मेरे पास दूसरा सेल टू वोल्ट का है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर मुझे क्या होना चाहिए सिग्निफिकेंट चेंज दिखना चाहिए क्योंकि वन है तो बहुत ही छोटी वैल्यू है तो सपोज अगर वो मुझे टू ट्वेंटी सेंटीमीटर पर अगर दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना ये पोटेंशियोमीटर मुझे सीधे सीधे बता पा रहा है कि भैया देखो पॉइंट वन का चेंज हुआ तो ये टू ट्वेंटी सेंटीमीटर हो गया अगर ये टू पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट का चेंज हो रहा है तब भी ये मुझे क्या काम करे तब भी ये मुझे कुछ ना कुछ लेंथ में मुझे क्या दिखाए पर चेंज दिखाए जैसे कि 202, मतलब दो सेंटीमीटर सॉरी मतलब मुझे पर सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखाया है इसने तो इसका मतलब क्या है ये पोटेंशियोमीटर क्या है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है सेंसिटिव सेंसिटिव वर्ड का मतलब बस आप ऐसे समझिए कि कोई भी बंदा है वो अगर बिल्कुल होशोहवास में है और उसके ऊपर कोई चीटी रेंग रही है बेटा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है वो उसको पता चल जाता है तो हमारी स्किन क्या है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है यही अगर वो बंदा सेंस सेंस सेंसेस में नहीं है लाइक like मान लीजिए कोई दवाई खाकर सो रहा है कोई कोल्ड की दवाई खा ली है तो ऑब्वियसली बात है अब उसके ऊपर से चीटी भी अगर रेंग रही होती है तो वो लेस सेंसिटिव हो जाता है तो वही सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि बहुत ही थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी चेंज हो रहा है तो वो मुझे क्या है वो मुझे पता चल पा रहा है जैसे हमारी आईज है आईज के अंदर अगर एक सिंगल बाल क्या एक अगर थोड़ा सा भी पत्थर वो कूड़ा भी अगर चला जाता है मिट्टी का एक एक क्या बोलते हैं एलिमेंट भी अगर चला जाता है तो वो हमें दर्द करने लगती है हमारी आंख दैट इज आईज आर वेरी सेंसिटिव तो यही चीज होता है बेटा सेंसिटिविटी का मतलब कि कोई भी अगर डिवाइस है वो डिवाइस छोटी से छोटी वैल्यू के लिए भी मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर करके दे रहा है तो इसका मतलब क्या है वो डिवाइस मेरा उतना ज्यादा सेंसिटिव है तो हाउ वी कैन इंक्रीज दी सेंसिटिविटी क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी कैसे हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं किसकी पोटेंशियोमीटर की तो अगर हम यहां पर सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी दो तरीके से इंक्रीज की जा सकती है सबसे पहली चीज फर्स्ट बाई इंक्रीजिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात हाउ वी कैन इंक्रीज दी सेंसिटिविटी तो इट कैन बी इट कैन बी इनक्रीज इंक्रीज बाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट बाई रिड्यूसिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब के इज इक्वल तो K को मुझे डिक्रीज कराना है रिड्यूस कराना है तो K को डिक्रीज कराने का क्या क्या तरीका होगा सबसे पहला तरीका इंक्रीजिंग लेंथ आप क्या काम कीजिए जो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियोमीटर है उसकी लेंथ आप ज्यादा बढ़ा दीजिए मतलब अगर आप पहले पोटेंशियोमीटर चार मीटर का यूज कर रहे थे तो अब वो पोटेंशियोमीटर आप दस मीटर का यूज करिए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो बाई इंक्रीजिंग दी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पोटेंशियो मीटर पोटेंशियोमीटर वायर पहली चीज दूसरी चीज क्या की जा सकती है सेकेंड इज भाई इसकी वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं के इज इक्वल टू आई आर सकते हैं जो भी करंट होगा वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो भाई डिक्रीजिंग करंट डिक्रीज हो जाएगा तो के भी डिक्रीज हो जाएगा भाई डिक्रीजिंग करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट तो ये दो काम अगर हम कर लेंगे बेटा तो इन दो काम को करने से हमारे पोटेंशियोमीटर की क्या होगी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो अगर आपसे पूछे कि आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहली बात तो जो आपको बोलनी है वो बात आपको यही बोलनी है बाय रिड्यूसिंग दी पोटेंशियल ग्रेडियंट पहली चीज और आप इसको रिड्यूस कैसे करा सकते हैं तो ये दो तरीके हैं बाय इंक्रीजिंग दी लेंथ एंड बाय डिक्रीजिंग दी करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट ये दो काम करने पर क्या होगा आपकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की क्या हो जाएगी सेंसिटिविटी so, uh, uh, आपकी बढ़ जाएगी सिंपल सी बात यह है कि पोटेंशियोमीटर की यही दो एप्लीकेशंस थी बेटा जिस पर हमें ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं पोटेंशियोमीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपको पांच नंबर का भी क्वेश्चन मिलता है नोमैरिकल प्लस थ्योरी या फिर आपको तीन नंबर का नोमैरिकल देखने को मिलेगा सेंसिटिविटी इंक्रीज है डिक्रीज है इस तरीके की कहानी जो भी होगी आपकी इससे आपको एक एक दो दो, दो नंबर के कंसेप्चुअल सवाल भी मिलेंगे तो उन सब पर फोकस कीजिएगा थैंक यू सो मच